हे गाइस, आई एम शुचि एंड वेलकम टू इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड। हाल ही में करण जौहर ने एक वीडियो पर रिएक्ट करते हुए उसे रीपोस्ट किया था। वीडियो में यूएस नेवी ऑफिसर्स कल हो ना हो का टाइटल सॉन्ग गाते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूएस नेवी ऑफिसर्स एक डिनर पार्टी के दौरान गाना गाते नजर आए। यूएस नेवी का एक मेल ऑफिसर गिटार बजाते दिख रहा है, तो वही फीमेल ऑफिसर हिंदी में गाना गा रही है। वैसे तो बॉलीवुड की कई फिल्म्स हैं जिनकी सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि फिल्म के गाने भी उतने ही मैजिकल थे, जिन्हें आज भी लोग गुनगुनाते हैं। उनमें से एक ऐसी ही फिल्म है कल हो ना हो, जिसे पूरी दुनिया में लोगों का प्यार मिला। फिल्म कल हो ना हो में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और सैफ अली खान दिखाई दिए थे, तो वहीं सोनाली बेंद्रे भी डॉक्टर के किरदार में नजर आई थी। फिल्म 2003 में आई थी और इसे निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया था। करण जौहर ने वीडियो को रीशेयर कर शाहरुख खान, जावेद अख्तर, शंकर एहसान लॉय और डायरेक्टर निखिल आडवाणी को भी टैग किया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म का फर्स्ट हाफ कॉमेडी था, तो वहीं सेकेंड हाफ काफी इमोशनल। फिल्म में शाहरुख खान ने एक कैंसर पेशेंट की भूमिका निभाई थी। जहां फिल्म के फर्स्ट हाफ में वो बिल्कुल बिंदास लुक में नजर आए थे, तो वहीं फिल्म के सेकेंड हाफ में उनके कई सीन्स ने लोगों को इमोशनल कर दिया था। फिल्म का टाइटल सॉन्ग कल हो ना हो को सोनू निगम ने गाया था। वैसे तो फिल्म के सारे गाने बहुत पॉपुलर हुए थे, लेकिन फिल्म का टाइटल सॉन्ग कल हो ना हो बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला था। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज स्टे ट्यून्ड विद इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड। यू कैन ऑल्सो फॉलो us on Facebook and Instagram.